दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 6 प्रो के बारे में, क्योंकि दोस्तों ओप्पो रेनो 6 प्रो के कई सारे लाइव इमेज बाहर आ चुके हैं जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। दोस्तों ओप्पो रेनो 6 सीरीज बहुत जल्द लॉन्च किया जाने वाला है और दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इसे इसी मंथ में लॉन्च किया जाने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों ओप्पो रेनो 6 प्रो के सभी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। तो गाइज अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों जो लाइव इमेजेज आए हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, डिजाइन और लुक्स वाइज फोन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेनो 5 सीरीज जो लॉन्च किया गया था उसमें 5 प्रो से इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया गया, खासकर कैमरा हाउसिंग आप देखते हो तो वो चेंज कर दिया गया है और कैमरा हाउसिंग में कैमरा पैटर्न्स को भी चेंज किया गया है। बैक पैनल दोस्तों इसमें भी ग्लास का देखने को मिलेगा, फ्रंट की तरफ इसमें भी कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में पंचोल का कटआउट देखने को मिलेगा, बेजल्स और चिन इसमें भी काफी पतले देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसमें भी फ्रंट एंड बैक दोनों भी तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगे। कौन सा वर्जन मिलेगा इसकी जानकारी निकल के नहीं आई। टेना के अकॉर्डिंग दोस्तों इस फोन में 7.6 mm थिकनेस मिलेगा, मतलब फोन काफी पतला भी होगा और दोस्तों 177 grams का ये फोन होगा, मतलब फोन काफी लाइट वेट भी होगा। सिंगल हैंडेड यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल डिजाइन और लुक्स वाइज फोन काफी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें 6.55 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन फुल HD+ का होगा। सुपर एमोलेड पैनल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा और HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा। तो डिस्प्ले काफी अच्छा होगा, काफी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ओप्पो रेनो 5 प्रो के जैसा ही डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़े बात करें इस फोन के कैमरे के बारे में। तो 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा इस फोन में। प्राइमरी सेंसर 64MP के मिलेंगे, सेकेंडरी सेंसर 8MP के मिलेंगे, थर्ड सेंसर 2MP के मिलेंगे और फोर्थ सेंसर भी 2MP के मिलेंगे और फ्रंट की तरफ दोस्तों इसमें भी 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। HDR पैनोरमा सब कुछ कर पाओगे इसके कैमरे से, साथ में दोस्तों इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा 30fps पे। आगे बढ़े दोस्तों बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में। तो इसमें दोस्तों 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में दोस्तों 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों इसे 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB के तीन वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे और आउट ऑफ बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा। लास्ट में दोस्तों इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि मीडियाटेक के फ्लैगशिप चिपसेट में से एक है। 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बनाई ये चिपसेट है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी इसमें काफ़ी अच्छी मिलेगी और ग्राफिक्स के लिए इसमें Mali G77 GPU का इस्तेमाल किया गया जो कि सभी तरह की गेमिंग वेमिंग हैंडल कर लेता है। तो परफॉर्मेंस वाइज इस फोन में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। तो गाइज ये थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में। तो आपको बता दूं दोस्तों रेनो 5 प्रो जो लॉन्च किया गया था उसी के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाएगा, उससे डाउन नहीं, उससे प्राइस थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, कम प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च नहीं किया जाएगा। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग इसी मंथ में लॉन्च किया जाएगा। पहले लीक्स निकल के आए थे कि 22 मई को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी करंट लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इसी मंथ के लास्ट वीक में लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कब तक लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, कोई सुझाव है कमेंट कर दीजिए, हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।